कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब हैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश लेकर आए हैं जिसका नाम है वाइट पास्ता। बहुत ही मज़ेदार सी डिश है, बड़ों की भी पसंद है और ऑफ कोर्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और रेसिपी की तरफ चलने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और कमेंट करके हमें बताया करें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा और कैसे बनेगी। फिलहाल हमने चिकन ले ली है। चिकन को हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, लंबे लंबे क्यूब्स हैं ये। और सेकंड हमारे पास ब्लू बैंड है मक्खन। उसके बाद हमने टमाटर 2 अदद ले लिए हैं, टमाटरों को इस तरह से हमने क्यूब्स में काट लिया है। और हमारे पास प्याज है, प्याज को भी हमने इस तरह से काट लिया है, बहुत छोटा भी नहीं काटा और बहुत बड़ा भी नहीं है, हल्के साइज़ में काट लिया है। शिमला मिर्चें हमने 2 अदद काटी हैं और हमने गोभी थोड़ी सी काट ली है, वो भी इसी तरह से इक्वल जो है सबको काटा है। और उसके बाद हमारे पास है चीज़, चीज़ के स्लाइसेस हैं हमने लिए हुए 4 अदद। और हमारे पास है ऑयस्टर सॉस, ये हम हसबे ज़रूरत लेंगे। हॉट सॉस, सॉसेज आपको पता है हसबे ज़रूरत ही लिए जाते हैं, तो बाकी चीज़ों की क्वांटिटी हम बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूध है और ओरिगैनो लीव्स हैं, ये देखिए ओरिगैनो लीव्स हैं, और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और चिकन पाउडर। इसके साथ हमारे पास मैदा होगा और उसके साथ साथ हमें 2 अदद रेड चिलीज भी चाहिए होंगी साबुत। पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था पहले से, टाइम सेव करने के लिए जो है ना इसको मैंने पहले से कर लिया था, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। और इसको बॉईल करते हुए आप थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल लें ताकि ये जो है सही खिले खिले रहें और जुड़े ना आपस। अब मैंने ये मक्खन ले लिया है ये, और इसको मैंने डाल दिया है पैन के अंदर। मक्खन को गर्म होने दिया है मैंने, और अब जो है मैं इसमें 3 चम्मच मैदा डाल रही हूँ, 1, 2 और 3, 3 चम्मच मैदा मैंने ऐड कर लिया है। अब मैंने इसको मिक्स करना है, इसको मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। मैदे को मैंने अच्छे से भुनाई कर लिया है, ये देखें। अब जब इससे खुशबू आने लगे तो तब हम इसमें 1/2 किलो दूध ऐड कर देंगे। 5 से 6 मिनट जो है इसको मैंने भुनाई कर लिया है, अब हम इसमें दूध शामिल कर रहे हैं। 1/2 किलो दूध शामिल किया है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि जो मैदे के हैं वो लम्स ना बन जाए। और अब इसमें मैं चीज़ शामिल करने जा रही हूँ। चीज़ का मैंने स्लाइस ले लिया है और ये देखिए चीज़ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। एक एक करके सारे स्लाइसेस मैंने शामिल करने हैं, 5 स्लाइसेस मैंने लिए थे। चीज़ को मैंने लो फ्लेम पे कुक कर लिया है और अब जो है मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ नमक। 1/2 टेबल स्पून नमक लिया मैंने और ये मैंने इसके ऊपर शामिल कर लिया है। 1/2 से भी कम मैं लूँगी चिकन पाउडर, चिकन स्टॉक पाउडर, और वाइट पेपर लूँगी थोड़ा सा, और ब्लैक पेपर। इसके बाद हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया है और अब इसको 10 to 12 मिनट्स तक कुक करना है। ऑयल के मैंने अलग से एक पैन में ये वाले 2 चम्मच ले लिए हैं। ये देखिए चिकन का कलर जो है ये चेंज हो रहा है, और चिकन के जो है ना स्लाइसेस वो इसी तरह के होने चाहिए ताकि अच्छे दिखें। इसको हम 8 से 9 मिनट तक पकाएंगे। और इसमें नेक्स्ट जो चीज़ें हैं दड़ा मिर्च पहले बताना मैं आपको भूल गई थी, तो ये भी हम ऐड करेंगे। और बाकी हमारे पास स्टॉक पाउडर है, चिकन स्टॉक पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर भी हम इसमें ऐड कर लेंगे हसबे ज़ायका। अब मैंने इसमें टमाटर ऐड कर लिए हैं, 2 से 3 मिनट तक टमाटरों को अच्छे से पका लेना है। अब इसमें मैंने सब्जियां ऐड कर दी हैं,
गोभी, शिमला मिर्च और प्याज, और इसको भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अच्छा, ये बात याद रहे कि सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि वो फिर जो है ना ओवर कुक होकर उनका टेस्ट भी सही नहीं रहेगा। खड़ी खड़ी होनी चाहिए सब्ज़ियाँ, 2 से 3 मिनट तक पकाना है उनको। अब मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस शामिल कर ली है, थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस और हॉट सॉस। अब मैंने इसमें बॉईल किए हुए पास्ता भी ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स कर लिया है। अब ये मैंने ऑरिगेनो लीव्स ले लिए हैं और इसको भी ऐड कर लिया है थोड़ा सा। ये देखिए जी, मसाला तैयार है और अब जो है हम इसको डिश ले ली है, एक डिश में डालेंगे। अब मैंने ये वाली डिश ले ली है और इसमें मसाला डालेंगे इस तरह से। ये जो मसाला तैयार किया है, इसकी एक तेल लगा देनी है नीचे। ये देखिए तेल लगा दी है। अब हम इसमें सॉस जो तैयार किया था उसको शामिल कर रहे हैं। सॉस ऐड करने के बाद हमने ऊपर से फिर मसाला ऐड करना स्टार्ट किया। ये देखिए, इसकी भी इसी तरह से तेल लगानी है। अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हमारे चूँकि छोटे छोटे दो किड्डू हैं तो इसलिए हमने मिर्चें कम रखी। इस तरह से सॉस को जो है मसाले के अंदर ब्लेंड कर लें अच्छा सा। जहाँ पे सॉस कम है वहाँ पे और ऐड कर लें और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लें। थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स भी ऊपर स्प्रिंकल कर लिए हैं और टमाटर और हरी मिर्चें और लाल मिर्चें, उनसे अच्छे से डेकोरेट भी कर लिया है। और अब ऑयस्टर सॉस थोड़ा सा ले लिया है ताकि अच्छी सी जो है ना डेकोरेशन भी बन जाए। वाव, देखिए तो कितने मज़ेदार डिश तैयार हुई है। ये देखिए, मज़ेदार सा पास्ता तैयार है। आप भी ऐसे ही बनाइए और एंजॉय कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।